Hey guys, welcome to today's video and I hope you all are doing well. So आज हम बात करते हैं कि कैसे मैं आई, कैसे मैंने planning की और first day कैसा था मेरा Korea में आने के बाद, और जब मैं आ रही थी तो क्या क्या मुझे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा उस पहले दिन, क्योंकि मैं अकेली थी और मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था. तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ. मेरा SNU से सब कुछ हो गया था, सब कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. मैंने फी पे करी, फिर सब कुछ उनके एडमिशन लेटर आ गए, मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया. तो वीज़ा के लिए अप्लाई करना था एक महीने पहले, मतलब आना मुझे अगस्त में आना था, पर मैंने अप्लाई किया जुलाई में, मे बी हाँ जुलाई में अप्लाई किया था. तो मैं अपने वीज़ा का वेट कर रही थी, और वीज़ा लगभग लगते हैं, मतलब 5-6 दिन लगते हैं. अगर आप तत्काल में फीस ज़्यादा होती है और बनवाओगे तो 3 दिन में ही आ जाएगा, और अगर बिना तत्काल रेगुलर्स में बनवाओगे तो 5 दिन लगते हैं. तो मैंने रेगुलर में अपना वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, D4 वीज़ा के लिए. तो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे और बहुत ईजी प्रोसेस था, बट वहाँ जाकर काफ़ी वेट करना पड़ा था, क्योंकि रेगुलर लोग कम, जैसे कि मैं और जो आम लोग होते हैं घूमने जा रहे हैं वो लोग कम थे, पर एजेंट्स लोग, ओह माय गॉड. और एक एक एजेंट्स के हाथ में 50-100 फॉर्म्स थे लोगों के जो घूमना चाहते थे साउथ कोरिया. उन लोगों ने इतना टाइम बर्बाद करवाया था, बहुत ज़्यादा. वीज़ा डॉक्यूमेंट देने का टाइम लगभग 2 घंटे होता है, उसके बाद ब्रेक टाइम होता है, फिर 2-3 घंटे और होता है, तो लगभग 1-2 बजे तक होता है. तो मैं सुबह ही चली जाती थी 9 बजे. एक दिन वीज़ा अप्लाई करने के लिए गई थी और फिर बाद में वीज़ा कलेक्ट करने के लिए गई थी. तो हाँ, फर्स्ट डे मैं गई थी 9 बजे, क्योंकि मुझे पता था कि भीड़ बहुत होगी, तो इसलिए मैं 9 बजे ही चली गई थी. तो सुबह ही पहुँच गई थी. जैसे ही VFS खुलता है, VFS मेट्रो स्टेशन पे ही है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो बहुत ईजी है. तो जाओ वहाँ पे, सारे देशों के वीज़ा वहीं बनते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है और वो डायरेक्ट एम्बेसी वगैरह नहीं जाना पड़ेगा. सारी एम्बेसीज ने इनको ही मतलब काम दे दिया VFS को, तो उनके थ्रू वीज़ा बनता है, ईजी होता है, पर थोड़ा वेट करना पड़ता है अगर जल्दी ना जाओ. तो मैं 9 बजे चली गई थी और काफ़ी वेट किया था. फिर उसके बाद नंबर तो मैंने पहले ही ले लिया था, पर काफ़ी एजेंट थे, तो उसके बाद मेरा नंबर आया और हो गया अच्छे से सब कुछ. उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने में बहुत टाइम लिया था, तो फिर सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे फिर मैंने, और फिर उन्होंने कहा था आपको इस दिन आना है और लेना है. तो मेरा वीज़ा आना था 5 दिन के अंदर अंदर, पर फिर भी उन्होंने 1 दिन लेट कर लिया था. और फिर मुझे मैसेज आया था कि आपका वीज़ा 1 दिन लेट हो रहा है, तो फिर भी हम जल्दी करेंगे. तो 1 दिन लेट होने के बाद फिर उन्होंने मुझे दे दिया, तो लगभग 6 दिन लग गए थे. तो 6 दिन के बाद मुझे वीज़ा मिल गया था, उस पर लिखा था D4 वीज़ा, इतने दिनों के, 6 मंथ के लिए वीज़ा है आपका. तो बस फिर मैंने अपने प्लेन की टिकट बुक नहीं करी थी. काफ़ी लोग कह रहे थे, मम्मी पापा और मेरे पड़ोसी सारे लोग कह रहे थे, अरे अपनी टिकट बुक करो वरना लेट हो जाओगी. फिर मेरे दिमाग में था नहीं, पहली बार मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, पता नहीं वो लोग मना ना कर दें, कुछ कहना दें ये ना. तो काफ़ी लोग कह रहे थे, अरे जब एडमिशन लेटर मिल गया तो कोई मना ही नहीं कर सकता, VFS वाले हों या एम्बेसी वाले हों, उन्हें देना ही पड़ेगा वीज़ा. तो फिर मुझे भी लग रहा था दे ही देंगे, बट फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि यार फालतू मैं प्लेन की टिकट अभी से बुक कर दूं और वीज़ा के लिए कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने प्लेन टिकट बुक नहीं करी थी. पर फिर मेरे दिमाग में था कि मैं सिंगापुर एयरलाइंस से कोरिया जाऊँ, बट मैं डेली प्लेन टिकट के प्राइस देखती थी डेली, तो उसमें सिंगापुर एयरलाइंस मेरे को अच्छी लगी और उनके प्राइस भी अच्छे थे और काफ़ी अच्छी बेस्ट एयरलाइंस है. तो उनके टिकट के प्राइस थे उस टाइम 20,000 अराउंड, पर वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, वो सिंगापुर से होते हुए साउथ कोरिया जा रही थी सारी फ्लाइट. तो फिर भी मुझे अच्छी लगी, दिमाग में यही था कि मैं सिंगापुर एयरलाइंस से जाऊँ. तो फिर हुआ क्या कि मेरा वीज़ा आ गया, और फिर मेरे उसी दिन मैंने देखा तो उसकी टिकट प्राइस 34,000 हो गई थी. तो मेरे को लगा यार ये क्या हो गया, मतलब एक ही दिन में इतने बढ़ गए उसके प्राइस. तो फिर मुझे ले दे के फिर एयर इंडिया का मैंने देखा, एयर इंडिया की टिकट प्राइस थी 27,500 और डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो इसलिए मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उसे बुक कर दिया. जैसे ही मेरा जिस दिन वीज़ा आया सुबह, उसी दिन मैंने
बुक कर दिया सब कुछ। फिर मैंने अपनी टिकट बुक करी एयर इंडिया से, और मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कभी एयर इंडिया से ट्रैवल नहीं किया था तो मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद मैंने एयर इंडिया में चेक करा कि हम कितना लगेज ले जा सकते हैं उसमें, तो उसमें था 20 kg आप चेक इन लगेज में ले जा सकते हैं और 8 kg कैरी ऑन में। तो फिर और मैंने फिर देखा कि स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरा स्टूडेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट वीज़ा था, तो फिर भी मैं उसके बारे में श्योर नहीं थी कि स्टूडेंट में माना जाएगा या फिर, क्योंकि जनरल ट्रेनिंग का था पर जा रही थी मैं कोरियन लैंग्वेज के लिए, तो स्टूडेंट वीज़ा माना जाएगा कि नहीं। तो फिर उसमें था कि अगर स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जा रहे हो तो आपको 20 kg एक्स्ट्रा अलाउड किया जाएगा, 40 kg फॉर चेक इन के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि यार पता, मैं श्योर नहीं थी कि मेरा वीज़ा वो लोग मानेंगे, स्टूडेंट वीज़ा मानेंगे कि नहीं। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि चलो, मैंने नया लगेज लिया था तो 20, जिसमें एक बड़ा लगेज लिया था जिसमें कि 20 kg वेट आ जाए, तो फिर मैंने उसे पैक करा। उसमें 20 kg वाले जो बड़ा लगेज था उसमें मैंने वो सामान पैक किया जो कि मुझे बहुत ही ज़रूरत है, लाइक कपड़े और जो भी चीज़ें मेरी मेन है और जिनके बिना मैं नहीं जा सकती, तो वो मैंने वैल्यूबल थिंग्स और जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो सारी उसमें मैंने डाली, पैक करी अच्छे से और रोल करके पैक किए मैंने सारी चीज़ें। और रोल करके करते हैं तो जगह थोड़ी ज़्यादा बचती है, तो इसलिए मैंने रोल करके पैकिंग की। और मैंने किसी की हेल्प नहीं ली क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या ले जाना है, मुझे क्या ज़रूरत है, ना तो पेरेंट ना किसी, कोई भी नहीं। और फिर मैंने सेकेंड लगेज एक डफल बैग लिया जो कि एक्स्ट्रा था, उसमें मैंने जो फालतू चीज़ें थी जैसे खाने पीने के सामान, नमकीन बिस्किट और काफ़ी सारी चीज़ें और मेरी बुक्स और जो भी चीज़ें जिनके बिना मतलब अगर मैं ना भी जाऊँ तो भी काम चल जाएगा, तो वो बैग मैंने अलग पैक करा। और वो उसके लिए मैं श्योर नहीं थी कि पता नहीं अगर स्टूडेंट मानेंगे तो कर देंगे ना, अगर नहीं मानेंगे तो मैं ये बैग एयरपोर्ट पर अपने मम्मी पापा को दे दूँगी क्योंकि वो ले जाएँ और फिर मैं अपना ये मेन बैग ले आऊँगी। और अपना कैरी ऑन में मैंने सारी वैल्यूबल्स चीज़ें रखी जो कि लैपटॉप, कैमरा, चार्जर और काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं मेरी जो कि काफ़ी महंगी थी। काफ़ी दिन लग गए कि क्या ले जाऊँ क्या ना ले जाऊँ, क्या फालतू है क्या छोड़ के जाऊँ क्या लेके ही जाना है ये सब। तो पैकिंग क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं खरीदी जो कि मुझे लग रहा था कि वहाँ महंगी मिल, यहाँ महंगी मिलेंगी, इंडिया में सस्ती हैं, तो मैं पहले से ही इसमें डाल लूँ मतलब यहाँ से खरीद के ले जाऊँ कोरिया। तो बस ये सब तो हो गया पैकिंग, काफ़ी चीज़ें नहीं खरीदी, बर्तन वगैरह और कपड़े खरीदे थोड़े। मैंने यहाँ आने से पहले हर एक चीज़ पर लगभग 100 YouTube पे 100 वीडियो देख डाली होंगी, हर छोटी से छोटी चीज़, मतलब अगर कोरियन सबवे, कोरियन फूड, कोरियन मनी, हर चीज़ पे, ताकि मेरे को हर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि मैं अकेली जा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और मैं पहली बार जा रही थी तो इसलिए मेरे लिए और ज़्यादा थोड़ी चीज़ें टफ थी। सबसे बड़ी बात थी मनी एक्सचेंज के लिए, तो फिर मैंने वहाँ पे सबसे पहले हर जगह जाके पूछा फिजिकली कि थॉमस कुक, कॉक्स एंड किंग्स और फॉरेक्स पे जाके पता किया कि कहाँ कितना एक्सचेंज रेट है, क्या है वो है। मेरे गोशीवान का जब किराया था लगभग 330,000 समथिंग, तो मुझे लगभग वो पैसे तो लाने थे और बाकी एक्स्ट्रा कोरियन वन मैंने सारी जगह पता किया, सब महंगे दे रहे थे। तो फिर मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि हम भी एक्सचेंज कराते हैं, तो उनके जो भी एक्सचेंज करते हैं उनसे मैंने कराए लगभग 20,000 रुपये, हाँ 20,000 लगभग कराए वो, जो कि कम थे और काफ़ी उन्होंने कमीशन लिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम। 200,000 कोरियन वन दिए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो फिर मेरा प्लान था कि भाई यहाँ से थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ, लगभग जितने 20,000 रुपये मिल रहे हैं इतने के ले लेती हूँ, बाकी सब मैं कोरिया में देख लूँगी। फिर मैंने जो मेरे दोनों बैंक के एटीएम कार्ड हैं, दो अकाउंट है मेरे पास, तो दोनों एटीएम के मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन
इनेबल करवा ली थी ताकि मैं बाहर पैसे विड्रॉ कर सकूँ कोरियन बैंक एटीएम से। बहुत इजी है, आपके पास अगर ऐप हो, हर बैंक की ऐप होती है आजकल इंडिया में, तो उसको बैंक में आप इंटरनेशनल यूसेज के लिए इनेबल करा सकते हैं सर्विस, तो बहुत इजी होती है। तो जो मेरी बैंक थी, मैंने उनके कस्टमर केयर पर बात करी कि भाई मुझे ना बाहर जाके पैसे निकालने हैं, तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि हर ट्रांजेक्शन पर 50 या 100 रुपये लगेंगे और टैक्स और ये सब। और फिर दूसरी बैंक से भी कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने भी ये बताया कि हर ट्रांजेक्शन पे 100 रुपये लगेंगे, ये फलाना ठिकाना टैक्स वैक्स इतना। तो फिर मुझे समझ में आ गया सब कुछ। तो मेरी फ्लाइट थी रात में 11 बजे की एयर इंडिया, और अगस्त 25 की थी। उससे पहले एक दिन पहले मैंने अपना कैमरा लिया, कैमरा लेने के लिए, ओह माय गॉड, मेरा प्लान था कैमरा लेने की, ये जो जिससे मैं अभी ये जो वीडियो बन रही है, कैनन G7X व्लॉगिंग कैमरा। तो उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल था और मैं तब भी खुश थी, जो भी चल रहा था अच्छा चल रहा था मेरा यूट्यूब। तो फिर मुझे लगा यार मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, मैं तो वहाँ जाके व्लॉग्स बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, मुझे नहीं पता, मुझे कैमरा यहीं से लेना है और लूंगी, और मुझे प्रैक्टिस भी करनी है भाई, ऐसे कैसे मैं वहाँ से लूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर मेरा प्लान था कि मैं इंडिया से ये वाला कैमरा लूँ, और मैंने सब कुछ पता कर लिया था कि कहाँ से मिलता है, कैनन स्टोर पे जाना है मुझे लेना है बस, और प्राइस भी पता कर लिए थे हर जगह के। तो बट मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स के जो फ्रेंड, वो लोग कह रहे थे नहीं नहीं सोनल यहाँ से क्यों ले रही हो, कोरिया से ही लेना भाई, कोरिया में अच्छे मिलेंगे और ये मिलेंगे वो मिलेंगे। तो फिर मेरे दिमाग में उन्होंने डाउट डाल दिया कि भाई यार कहाँ से लूँ, ये लूँ, समझ नहीं आ रहा क्या, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे को सब लोग। तो फिर मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने बस, मैं कैनन स्टोर पे गई अगले दिन, लास्ट दिन था उस टाइम, उसी टाइम मेरे करने हैं, या तो करो या फिर मरो, तो ये सिचुएशन थी। तो फिर उसी दिन मैं गई कैनन स्टोर पे, मैंने पता किया कि कितने का है क्या है सब कुछ देखा, तो अच्छा था, 41,000 का मुझे कैमरा मिला, तो वो भी अच्छे थे जिन्होंने मुझे दिया, उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे क्या होता है और ये ऐप है ये डाउनलोड करो। तो फिर मैंने ले लिया, थोड़ी बहुत उसी दिन प्रैक्टिस करी कि कैसे चलाना है, क्या कैसे पकड़ना है, कैसे हैंडल करना है, और सब कुछ एक्सपोजर और सब कुछ, थोड़ा बहुत फंक्शन आ गए थे चलाना। फिर अगले दिन मेरी फ्लाइट थी अगले दिन मैंने एक बेफ कॉफी करी थी, मैंने उसी दिन जिस दिन मेरी फ्लाइट थी रात में 11 बजे, उसी दिन दिन में मैंने 1-2 बजे का अपना हेयर कट अपॉइंटमेंट ले लिया। पर मैंने प्लान बनाया था कि भाई मेरा हेयर कट हो जाएगा तो मेरे को अगले 2-3 दिन बाल नहीं धोने पड़ेंगे और मैं आराम से घूमूंगी कोरिया में। हेयर कट तो ले लिया मैंने, घर में किसी को नहीं बताया था, और फिर मैंने पापा को बताया, पापा मेरा हेयर कट अपॉइंटमेंट है, और पापा से डांट पड़ी मेरी कि आज ही लेना था अपॉइंटमेंट, कल परसों नहीं ले सकते थे, एकदम एंड टाइम पे ही लेना था, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट काम आ जाए, ये वो फलाना दिखाना, और हेयर कट में कितने 2-3 घंटे लग जाएंगे तुम्हें, और मेरी डांट पड़ी थी उस दिन बहुत ज़्यादा। फिर मैं घर पर आ गई आराम से, बाल बाल कटवा के अपने, ये मेरे नए बाल, और फिर अब मुझे बाल 2-3 दिन तक धोने नहीं पड़ेंगे, कोरिया में फ्री होके घूमूंगी। टाइम हो गया था, फिर खाना पीना खा के फिर हम लोग निकल गए थे लगभग 6-7 बजे। मेरा प्लान था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ और बोल सकूँ, बता सकूँ कि hey guys, I'm going to Korea now, this is my flight at 11, I wanted to talk in that video and do many more things, but मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो मेरी लाइफ की पहली ब्लॉग थी, तो और मैं कोरिया जा रही थी और मैंने कभी ऐसे ब्लॉग बनाई नहीं थी, मतलब वीडियो बनाई नहीं थी कि मैं लोगों के बीच में बोल सकूं कुछ, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और जब भी मैं शूट कर रही थी मेरे को तभी मतलब अजीब सा लग रहा था कि यार लोग देख रहे हैं सब लोग, अगर मैं बोलूंगी तो पता नहीं और लोग पागल समझेंगे मेरे को मैं बोलना तो बहुत चाहती थी बट हो ना सका ये। तो फिर भी वो वीडियो सही, जो मैंने पहली ब्लॉग बनाई वो मुझे अच्छी लगी, मेरी सबसे फेवरेट वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, तो हम एयरपोर्ट पे आए फैमिली के साथ और हम लोग थे, और मेरा प्लान था कि हम लोग, मेरे पास 2 बैग थे, एक फालतू बैग, एक मेन बैग और एक मेरा कैरी ऑन। तो जो फालतू बैग था वो भी मैं साथ लेके गई, मेरे पेरेंट ने कहा था अगर वो अलाउ कर दें तो तुम ले जाना वरना हम यहीं खड़े हैं हमें दे देना। तो मैंने 7 बज गए थे या 8 बज गए थे, हम लोग जल्दी से मिले और फिर मैं अंदर गई। उस टाइम मैं फैमिली से पहली बार दूर हो रही थी
बुरा लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा, तो फिर भी मैंने कंट्रोल किया अपने आप को और मेरी मम्मी रोने लग गई पहली बार तो मैंने उन्हें देखा नहीं, क्योंकि अगर मैं देख देती तो मैं भी रोने लग जाती वहां पर। तो फिर मैंने देखा नहीं, मैंने सब कुछ कंट्रोल किया, मैं चुपचाप से निकल ली वहां से और सीधे अपने गई। ढूंढा मैंने एयरपोर्ट का, एयर इंडिया का काउंटर कहाँ पर है, तो मेरे हाथ में इतना सारा, एक तो वो ट्रॉली थी, ऊपर से मैं वीडियो बना रही थी, ऊपर से मैं सारा तामझाम, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या करूँ मैं, और सारे लोग देख रहे थे। और तो फिर हाँ, मैं ढूंढ रही थी कि यार यहाँ पे जेट एयरवेज, यहाँ पे ये। मैंने पहले डोमेस्टिक एयरलाइन से तो ट्रैवल किया है, बट इंटरनेशनल मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो फिर मैंने ढूंढा एयर इंडिया का, जो कि इतना हार्ड नहीं था, बस मैं गई और वहाँ पे काफी लोग काउंटर पे बैठे थे, काफी लोग इधर लाइन लगा रहे थे काफी, तो मैंने देखा जो फालतू बैठे हैं उन्हीं के पास चलो फिर मैं गई वहां पर और मुझे लग रहा था पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं। तो फिर मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने ये कहा था, मैं उनसे कह रही थी अंकल जी पता नहीं एयर, पता नहीं मेरा D4 वीजा है तो पता नहीं स्टूडेंट वीजा मानेंगे कि नहीं। और ये वो कह रहे थे कि अरे उनको कोई टाइम नहीं है ये सब देखने का, वो बस अलाउ कर देंगे, वो तुम कह दोगे कि स्टूडेंट वीजा है तो वो अलाउ कर देंगे। तो फिर मैंने वो चीज देखी, तो मैंने गई और मैंने उनसे काउंटर पे कहा कि जो भी वो एयर इंडिया के पर्सन जो काउंटर पे बैठे थे, मैंने उन्हें अपना पासपोर्ट दिया और टिकट दिखाई और फिर उनसे कहा कि ये मेरा स्टूडेंट वीजा है और मेरे लिए वीजा के लिए 20 kg एक्स्ट्रा अलाउड किया गया है। तो उन्होंने दूसरा उसे कंफर्म किया कि क्या हमारे यहाँ स्टूडेंट वीजा के लिए 20 kg एक्स्ट्रा अलाउ कर देते हैं, तो कह रहे हाँ। फिर उन्होंने कहा हाँ ओके तो फिर मैं खुश हो गई। तो फिर उन्होंने सब कुछ अलाउ कर दिया और मेरा चेक इन वाला सामान सारा चेक इन में गया, और कैरी ऑन वाला मेरे को जो मुझे लग रहा था कैरी ऑन वाला मेरा 8 kg होगा, बट हुआ वहाँ ये कि वो हो गया 10 kg। मैंने पता नहीं उसमें क्या क्या भर दिया था, क्योंकि वो 10 kg हो गया, पर फिर भी उन्होंने अलाउ कर दिया, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सब कुछ अच्छे से हो गया और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे पहले फ़ोन मिलाया, पापा आई एम गोइंग, और मैंने उनसे कहा कि सब कुछ अच्छे से हो गया, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया सारा सामान, और अब मैं सब इंडियन स्नैक वगैरह सब अपनी नमकीन बिस्किट सब ले जा रही हूँ, बाय टाटा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना और जो भी बात हो हमें बताते रहना, और पहुँचते ही हमें कॉल करना। फिर वो लोग घर निकल गए। एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा बना हुआ है हमारा। मैं अंदर इमिग्रेशन वगैरह सबसे गई, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक करा और टिकट चेक करी, सब कुछ करा। तो पासपोर्ट मेन होता है, तो पासपोर्ट चेक करा, वीज़ा चेक करा, उस पर लिखा सब कुछ, स्टैम्प लगाई, और फिर उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा पढ़ने के लिए कोरियन लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा अच्छे से पढ़ना मन लगा के, और उन्होंने कहा कि ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, वापस नहीं आ सकते, मतलब 6 महीने से पहले। मैंने कहा ओके, तो फिर मैं आराम से क्लियर हो गया वो, और फिर मैं अंदर गई और फिर मैंने सारे ड्यूटी फ्री वगैरह पे देखा। तो हमारी फ्लाइट आ गई थी उस टाइम और हमें अंदर जाने का टाइम आ गया था, तो फिर हम जा रहे थे अंदर। जैसी एंट्री हुई मैं, तो मैं अपनी सीट ढूंढने लगी कहाँ है भाई कहाँ है, फिर मुझे मिल गई। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सीट एकदम एंड में थी और मेरा जो कैरी ऑन था वो थोड़ा मेरे लिए भारी था, मैं कोशिश कर रही थी कि उससे ऊपर अपने शेल्फ में रख सकूँ, वो काफ़ी ऊपर था और मैं पूरा ऊपर भी यहाँ तक ले जा रही थी, पर वो ऊपर और भी ऊपर था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, मेरे पीछे थोड़ी भीड़ भी हो रही थी और मुझे जल्दी से रखना भी था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं, और इधर लोग बैठे थे, इधर भी सीट पे एक दो लोग बैठे थे, इधर भी बैठे थे, तो मैं उसे कहीं सीट पे भी नहीं रख सकती थी अपना लगेज। तो मैं वो मेरे बगल में ही खड़ी हुई थी एयर होस्टेस, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हेल्प कर दूँ, मैंने उनसे पूछा भी था कि प्लीज़ हेल्प मी, तब भी उन्होंने पता नहीं इग्नोर कर दिया, और मुझे लगा यार क्या यार कि मैं, मेरे को उस टाइम बड़ा पैनिक वाला टाइम था मेरे लिए, क्योंकि पीछे भी लोग, आगे भी लोग, इधर भी लोग, और सब लोग मेरे को देख रहे हैं कि यार ये क्या करना चाह रही है। तो इस वाली सीट पर एक कोरियन स्वीट सी लड़की थी, तो उसने कहा मेरे से इंग्लिश में कि दोनों मिलकर रखते हैं, एक साइड तुम एक साइड में, तो हम दोनों ने मिलकर दो चारों हाथ लगा के तब जाके उस पर रखा, तब मेरे जान में जान आई कि फाइनली थैंक यू सो मच। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि एयर होस्टेस पे, क्योंकि यार ये लोग हेल्प करने के लिए और हेल्प ही नहीं कर रहे हैं मेरी। ये सब हो गया, अब बस मैं थोड़ा
शांत हो गई और फिर टेक ऑफ करने का टाइम आ गया रात में करीब 11 बजे, तो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उस टाइम जब फ्लाइट ऐसे चल रही थी और जब टेक ऑफ कर रही थी और इंडिया लाइटिंग वाइटिंग सब दिख रही थी उस टाइम मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार क्या सबको छोड़ के जा रही हूँ मैं, पता नहीं कब आऊँगी वापस। वो टाइम सबसे बुरा लगा था मुझे जब मैं वीडियो भी बना रही थी ऐसे खिड़की से और ऊपर प्लेन धीरे धीरे उड़ भी रहा था और मैं नीचे देख रही थी कि यार अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रही हूँ, पता नहीं कब वापस आऊँगी। फिर उन्होंने एयर इंडिया वालों ने सबसे पहले हमें जूस और थोड़े नट्स और कुछ दिए स्नैक्स वगैरह, वो सब तो ठीक था। और फिर मैं अपने स्क्रीन पर सारी मूवीज देख रही थी, कौन सी मूवी देखूँ। सारे खाने का टाइम आ गया डिनर का, मैं बहुत भूख लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उस टाइम, तो मुझे लग रहा था बस दे रहे हैं अब ये डिनर में कुछ भी हो मैं खा जाऊँगी जो भी है। तो उन्होंने डिनर सर्व करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने पहले पूछा कि आप नॉन वेज लेंगे या वेज। कोरियन भी थे काफ़ी और इंडियंस भी थे, तो मैंने लिया वेज। तो नॉन वेज में था कोई चिकन रोल टाइप का और वेज में था वेजिटेरियन रोल टाइप का, और आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पे क्या था वो इतना गंदा था मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसे, बट फिर भी यार वो बहुत ही बेकार था। मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा प्लेन में, और तब भी मैं काफ़ी रोल मैंने उसमें खा लिए थे और टी वगैरह थी, कॉफ़ी थी जो भी मेरे को, बस मैंने सब कुछ अपना खाना अच्छे से खा लिया था जो जितनी मुझे भूख थी। फिर बाद में मैंने सबकी प्लेट देखी, ओह माय गॉड, सब ने वो रोल्स छोड़ दिए थे। मेरे बगल में कोरियंस थे, उनके भी बगल में कोरियंस थे, सब ने अपनी प्लेट, किसी ने मतलब एक बाइट लिया होगा वो भी ढंग से नहीं, और सब ने छोड़ दिया। तो मुझे इतना बुरा लगा यार, एटलीस्ट खाना तो सही कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट में। हमारी फ्लाइट थी मतलब डायरेक्ट फ्लाइट कह रहे थे, उसमें लिखा था कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बट फिर उसमें ये भी लिखा था कि हांगकांग होते हुए कोरिया जाएगी, हांगकांग में टेक्निकल चेकअप होगा और फिर बाद में कोरिया जाएगी ये फ्लाइट। तो फिर हम लोग सुबह बनानी कि 7-8 बजे होंगे, तो हम हांगकांग आ गए थे सुबह। हांगकांग में हमारी फ्लाइट रुकनी चाहिए आधा एक घंटे, बस एक घंटा में भी मैक्सिमम, पर हमारे को एक घंटा हो गया, फिर 2 घंटे हो गए, फिर 3 घंटे हो गए, फिर काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हमें सुबह का ब्रेकफास्ट मिला, तो ब्रेकफास्ट अच्छा था, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, ब्रेकफास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 हो गए, फिर लगभग 1-2 बज गए, फिर हमें लगा यार कि क्या हो रहा है पता नहीं। और कभी लोग कभी एयर इंडिया में अंदर मतलब उन्होंने कहा कि हम थोड़े देर के लिए एसी बंद कर देते हैं और कोई टेक्निकल चेकअप हो रहा है ब्ला 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 ब्ला, तो फिर उन्होंने एसी भी बंद कर दिए। फिर हमें लगा यार ये क्या हो रहा है, और इतनी गर्मी हो गई उस फ्लाइट के अंदर, सब लोग पता नहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, कोई कैसे हवा कर रहा है, कोई उस टाइम देखने का नज़ारा था, पता नहीं लोग कैसे परेशान हो रहे थे, कोई बाहर आ रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर, कोई वॉशरूम, कोई कुछ, और सब लोग कोई अपनी टी शर्ट उतार रहा, एसी वेसी बंद कर दिए उन्होंने। फिर हम पे एक न्यूज़ आई कि ये फ्लाइट आगे नहीं जा सकती एयर इंडिया, और इसके लिए हमें खेद है और आप लोगों को दूसरी फ्लाइट से कोरिया ले जाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग अपने कैरी ऑन सारे सब कुछ जो भी सामान है पैक करके आप दूसरी फ्लाइट के लिए तैयार हो जाइए, और आपका जो चेक इन वाला सामान है वो सारा ऑटोमेटिकली उस फ्लाइट में पहुँचा दिया जाएगा। तो फिर सब लोगों ने जल्दी से पैक करा और सब लोग उस फ्लाइट से एयर इंडिया से निकले बाहर, और फिर हमने देखा इतने सारे उनके जितने भी लगेज थे वो सारे बाहर पड़े थे ऐसे, जैसे कोई कोई कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसी फालतू इधर उधर उधर उधर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, वो कोई और ही प्रॉब्लम थी। काफ़ी एयरपोर्ट पुलिस वगैरह भी थी वहाँ पे, काफ़ी कुछ चल रहा था जो कि हमें पता नहीं है क्या चल रहा था। हांगकांग एयरपोर्ट पे हम अंदर आए और हमने पता किया कि भाई कौन सी, तो उन्होंने बताया कि हमें कोरियन एयरवेज से कोरिया ले जाया जाएगा। पहुँचे अपने काउंटर पर, कोरियन एयरवेज काउंटर पर, फिर वहाँ पर उन्होंने बताया कि आप सब लोगों को अपना पासपोर्ट तैयार करना है, अपना वीज़ा तैयार करना है, और आपके पास कितने लगेज हैं ये बताना है। तो उन्होंने एक पहले एक बात कही कि कोरियन एयरवेज का ये सिस्टम है कि हर एक इंसान के साथ एक ही कैरी एक ही चेक इन बैग होना चाहिए। कोरियन एयरवेज ने हम सबको चिंता में डाल दिया कि ये क्या कह रहे हैं भाई, मतलब एक पर्सन के साथ एक ही लगेज, हमारे पास तो 2-3 और भी है। फिर उन्होंने 10
15 मिनट बाद कहा कि नहीं नहीं हमारी एयर इंडिया से बात हो गई है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा लगेज का कोई भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिर सबके जान में जान आई कि यार फाइनली कुछ ठीक हुआ। फिर उन्होंने धीरे धीरे हमें बोर्डिंग पास देना स्टार्ट कर। काफी इंडियन लोग जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि कोरिया में हमें वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो जो भी काउंटर्स पे कोरियन एयरवेज के जो असिस्टेंट थे वो लोग बोल रहे थे आपका वीजा कहाँ है इंडियन लोगों से, तो वो कह रहे थे कि हमें वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो उन लोगों को कोरियन एयरवेज असिस्टेंट ने किसी ने उनको बोर्डिंग पास नहीं दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि कोरिया में जाके आपको वीजा ऑन अराइवल ऑप्शन है ही नहीं, मिल नहीं सकता, तो आप जा नहीं सकते कोरिया। तो उनको पता नहीं, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ क्योंकि मेरा बोर्डिंग पास मिल गया था। तो हमें कहा गया था कि जैसे ही आपको बोर्डिंग पास मिला है आप जल्दी से सिक्योरिटी में जाए अपनी चेकिंग करा के फ्लाइट पे बोर्ड करें क्योंकि आपकी फ्लाइट 10 मिनट बाद थी। सब कुछ सिक्योरिटी से होकर फिर अपना गेट नंबर देखा और हम वहाँ पर गए। मेरे को जाना था वॉशरूम, वॉशरूम के लिए भी टाइम नहीं था क्योंकि 2 मिनट बाद ही हमारी फ्लाइट में बोर्ड करना था। वहाँ पे हांगकांग से कोरिया जाने का था, 1-2 घंटे थे कुछ। वहाँ पे जैसे ही हम अंदर हुए तो फ्लाइट अपना टेक ऑफ हुई और फिर हमसे पूछा था जूस वगैरह जो भी था दे दिया क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा नॉनवेज ऑप्शन थे। तो बिबिम्बाप वगैरह मिल रहा था और किसी को कुछ सी फूड भी मिल रहा था, काफ़ी ऑप्शन थे। पर मेरा उस टाइम खाने का मन नहीं किया क्योंकि मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं था और मैं सोई नहीं थी लगातार। मैं पता नहीं चला कोरिया कब आ गया। फिर हम लोग वहाँ से फ्लाइट से बाहर आए और इमिग्रेशन पे गए और कुछ नहीं पूछा उन्होंने, मेरा पासपोर्ट चेक करा और फिर मेरा वीज़ा चेक करा और फिर मेरे से बोला कि अपने हाथ दिखाओ। तो उस टाइम मेरे हाथों में, क्योंकि मैं रक्षाबंधन के अगले दिन ही कोरिया आ रही थी, तो मैंने मेहंदी लगवाई थी दोनों हाथों में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अपने हाथ दिखाओ, मैंने हाथ दिखाए, मेरे हाथों में मेहंदी थी, उन्होंने मेरे हाथ देखकर बोला। फिर भी उन्होंने स्टैंप लगाई और मेरे को कहा अंदर जाओ। तो फिर मैं खुश हुई ये फाइनली। इमिग्रेशन के बाद मुझे अपना लगेज क्लेम करना था, तो फिर तो सबसे पहले मुझे अपने पैसे विड्रॉ करने थे क्योंकि मेरे पास अपने रेंट तक का फुल अमाउंट नहीं था मेरे पास। तो अगर मैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे को पैसे निकालने ही निकालने थे। यानी कौन सी बैंक से एटीएम से पहले ट्राई किया, पहले मैं वहाँ पे जो मनी एक्सचेंजर्स थे वहाँ पे गई तो उनसे मैंने पूछा इंडियन मनी क्या एक्सचेंज हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मेरे को वहाँ पे बगल में एटीएम दिखे, तो पता नहीं मैंने कौन सी बैंक से पहले ट्राई किया एटीएम, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए दोनों मेरे एटीएम कार्ड। मुझे उस टाइम इतना डर लगा कि आज क्या यार, अब पैसे नहीं निकलेंगे तो मैं क्या करूँगी। बगल में और भी बैंक थी, बुरी बैंक के एटीएम थे और दूसरी बैंक के थे। फिर मैंने वहाँ पे ट्राई किया तो वहाँ पे मेरे पहले एटीएम से निकल गए पैसे। जान में जान आई उस टाइम मेरे कि यह फाइनली। फिर मैंने दूसरी बैंक का भी एटीएम ट्राई किया कि चलो ट्राई करते हैं कि पैसे निकलेंगे कि नहीं, तो फिर उसमें भी निकल गया। फिर मैं खुश हो गई कि चलो फाइनली। फिर अब मुझे सोल के अंदर आना था, अब कैसे आऊँ। तो फिर मेरे पास मुझे ऑप्शन क्या दिखा, बस का, क्योंकि काफ़ी वीडियो देखी थी और काफ़ी लोगों ने कहा कि एयरपोर्ट बस बहुत अच्छी है। तो फिर अब मुझे वो ढूंढना कि था कि कहाँ से मिलेंगी। तो वहाँ पे साइन क्लियरली दिए गए हैं कि एयरपोर्ट लिमोजिन, तो आप अंडरग्राउंड जाओ, यहाँ जाओ, बेसमेंट में जाओ या इस फ्लोर पे जाओ। तो फिर मैं लिफ्ट से नीचे गई, मैंने देखे सारे साइन और फिर मैं लिफ्ट से नीचे गई और वहाँ पे काउंटर बने थे एयरपोर्ट लिमोजिन के। और फिर एयरपोर्ट लिमोजिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और मैंने वहाँ टिकट ली अपनी और मैंने उन्हें अपना एड्रेस बताया जहाँ मुझे जाना था, तो उन्होंने मेन एड्रेस डाला उसमें और फिर मेरे को टिकट दे दी मेरी वाली बस की। और वो टिकट की प्राइस थी 14,000 Korean won और मेरे पास वो टिकट आज तक रखी हुई है। फिर वो टिकट पे नंबर था बस का, तो वो बस नंबर मेरे को पता करना था, वहाँ जाना था। फिर मेरी बस आ गई, फिर उन लोगों ने मेरा सारा सामान उठा के बस के अंदर रखा और फिर अपना जो कैरी ऑन था वो मैं बस के अंदर लेके गई। और सबसे अच्छी बात थी उस बस में इंटरनेट था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सारे कॉल्स वगैरह देखी सब कुछ, और सबसे पहले मैंने कॉल देखे क्योंकि मेरे गोशीवान ओनर के
उन्होंने मेरे को काफी कॉल किया और फिर उनसे मैंने बात की ककाओ पे कि मैं आ रही हूँ. उन्होंने मेरे से पूछा कौन सी बस नंबर है, कब आ रहे हो, कितने बजे तक हो. तो मैंने उन्हें बताया कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि एयर इंडिया की वजह से थोड़ी लेट हो, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं. तो मेरी फ्लाइट थी, आ जानी चाहिए थी कोरिया. अगर सब कुछ सही चलता तो मेरी फ्लाइट को आ जाना चाहिए था सुबह 12 बजे. पर हम आ रहे थे यहाँ पे, मेरे को लग गए थे लगभग 7-8. तो 7-8 बजे मैं पहुँच रही थी. उन्होंने काफ़ी कॉल किए थे और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं बस से आ रही हूँ और मेरे को अभी आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा. तो बस फिर मैं आ रही थी. मैं जब अंदर आ रही थी तो लाइटें वाइटें देख कर ऐसा लग रहा था सब जैसे दिवाली हो रही है यहाँ पर. सब कुछ इतना मतलब ब्लिंकी ब्लिंकी लग रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. रात हो गई थी और फिर मेरा स्टेशन मुझे पता नहीं था कब आएगा, पर लकीली मैंने वो स्टेशन देख लिया कि हाँ मेरा स्टेशन ये है. मैंने उनसे एक और बार पूछा कि मेरा स्टेशन ये है ना, तो उन्होंने कहा हाँ ये वाला है. तो फिर उन्होंने मैं उतरी हुआ बस स्टेशन पे और उन्होंने मेरे को सारा सामान दिया, मेरा लगेज वगैरह. और फिर मेरे को पीछे से किसी ने ऐसे करा फिर मैं डर गई. तो उन्होंने कहा आर यू सोनल, उन्होंने मेरे को अपना मोबाइल दिखाया और मोबाइल में मेरी पिक्चर थी ककाओ टॉक वाली. तो उन्होंने मेरा फोटो दिखाया और मैं कह रही हाँ, मैं कह रही वाला इन पर मेरा फोटो कैसे, ये कौन है भाई. तो फिर मैंने देखा अरे ये तो मेरे गोशीवान के ओनर है. तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा अरे थैंक यू सो मच मुझे रिसीव करने के लिए. तो उन्होंने मेरा इतना भारी सामान उठाया, टाइम थोड़ा दूर था मेरे गोशीवान से, तो उन्होंने सारा पैदल चला के और 3rd फ्लोर पर मेरे को सारा सामान रखा, वरना मैं अकेले कभी ना कर पाती है. तो फिर उन्होंने जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने 2 रूम ऑप्शन दिए कि ये रूम है कौन सा है. तो मैंने room number 9 पसंद किया था अपने लिए. तो फिर बाद में मैंने अपने सारे पैसे वैसे दिए उनको और फाइनल करा कि हाँ भाई रूम लेंगे. उन्होंने मेरे को सारा फॉर्म वगैरह दिया और सारे रूल समझाया, ये मत करना वो मत करना, ज़्यादा नहीं बस 1-2 की ज़्यादा तेज लाउड स्पीकर पे गाने वाने नहीं और बातें तेज नहीं. जब आराम से हो गया था तो मैं बिना किसी टेंशन के सब कुछ मैं नीचे गई और नीचे मैंने सबसे पहले देखा यहाँ क्या क्या है, मतलब बिना किसी डर के कि मैं खो ना जाऊँ. मैं गई नीचे और सबसे पहले मैं ओलिवियम पे गई. ओलिवियम में मैंने क्या खरीदा, शैम्पू वगैरह खरीदा जो मैं यूट्यूब पे देखती थी कि वाह मैं कोरिया जाऊंगी तो सबसे पहले ये खरीदूंगी. वो सारी चीज़ें मैंने खरीदी. मैंने रास्ते में जल्दी भूलती नहीं हूँ और रास्ते मेरे दिमाग में फीड हो जाते हैं इजीली. तो मैं वहाँ गई और नाइट मार्केट देखा मैंने और वहाँ लोगों से मिली और मैंने उनसे कोरियन में बात करी और उन्होंने पूछा कौन से कंट्री से आए हो. तो मैंने कहा इंडिया से. उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी ली और सब कुछ हुआ. मैंने टुकपुकी, मुझे सबसे पहले टुकपुकी ट्राई करनी थी तो मैंने वो ट्राई करी. सबसे पहले गोशीवान ओनर को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि वो नहीं होते तो मेरे लिए बहुत वो नाइट बड़ी टफ हो जाती, कुछ इजीली होता गया. बस हांगकांग की वजह से मैं उसे प्रॉब्लम नहीं समझती, कोई ना कोई अच्छी बात होगी तब जाके वो फ्लाइट चेंज हो गई. अच्छा हुआ मैंने सारी अपनी प्लानिंग अच्छी की थी तब जाके ये रास्ता सफ़र अच्छा हो पाया मेरा, वरना अगर कोई भी गलती होती मुझसे, जैसे कि अगर मेरे पैसे नहीं निकलते कहीं से, अगर मेरे गोशीवान ओनर नहीं आते मुझे लेने, या फिर कुछ भी होता ना, तो मेरे काफ़ी घंटे या दिन बर्बाद हो सकते थे. मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे गोशीवान ओनर को और YouTube वीडियोस को और ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय.